Good morning, students. Today we'll start with the last part of chapter 7, poverty. That is, our measures adopted by the government to remove poverty and unemployment or poverty alleviation programs. तो जो 5-year plans थे तो उसमें एक हमारा 5-year plan था जिसमें poverty alleviation का पूरा provision था. तो उसमें government ने क्या क्या launch किया था हम वो देखते हैं. पहला था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना. टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम रूरल एरिया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज स्वरोजगार योजना वॉज लॉन्च इन अप्रैल 1999. ठीक है, इसका क्या था, इट रिप्लेस द अर्लियर प्रोग्राम्स लाइक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. इतने सारे जो प्रोग्राम्स थे उनको हटा के सीधे एक स्वरोजगार योजना का यहाँ पर इंट्रोडक्शन किया गया. इसमें क्या था, जो स्मॉल एंटरप्राइजेस थे दे वर ऑर्गेनाइज्ड एज इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस एज वेल एज ऑन कलेक्टिव बेसिस ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. इनका क्या था कि जो अलग अलग छोटे छोटे रूरल एरियाज़ में थे उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश की जिसको फ्री फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके. नेक्स्ट था हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन. दिस स्कीम इज़ ऑल्सो नोन एज आजीविका. इन फर्स्ट फेज this scheme was implemented in 150 districts. The scheme was expanded to another 150 district by 2015 and the end of 2016-17. This scheme was extended to whole the country. NRLM is expected to provide self-employment to 90 lakh people. The program is now renamed as Deen Dayal Antyodaya Yojana. Ye jo Deen Dayal अंत्योदय योजना इसको बोला गया था, जो आपका आजीविका था इसको बनाया गया था 2012-13 पे इसको लॉन्च किया गया और अभी ये एटलीस्ट 90 लाख पर्संस को एम्प्लॉयमेंट खुद जनरेट करते हैं. संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये क्या था, 1 दिसंबर 2001 को लॉन्च हुआ था. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना एंड एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम्स वेयर इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल योजना. जो दो योजना चल रही थी, पहला जवाहर ग्राम समृद्धि योजना और एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम, दोनों को मर्ज करके एक बना दिया गया जिसको नाम दिया गया संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना. इसका क्या था, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द सरप्लस वर्कर, टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ रीजनल इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, टू फोकस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ये इनके बेसिक थे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना है, डेवलपमेंट करना है और डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, इनका पूरा काम ये था. नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. इट वॉज लॉन्च इन 2001. इट एम्स एट प्रोवाइडिंग इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द रूरल पीपल बाई डेवलपिंग 5 इम्पॉर्टेंट एरियाज. इनका मेन क्या था, जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना था उसका था कि हमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सही करनी है रूरल एरिया की. 5 पॉइंट उसके लिए सजेस्ट किए गए, हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रोड्स. ये 5 पॉइंट्स थे जिसको इम्प्रूव करके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था रूरल एरिया का उसको इंक्रीज सही किया जा सकता था. इट इनकॉर्पोरेटेड 3 प्रोजेक्ट्स. अब इसको भी, ये जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना था इसमें 3 अलग प्रोग्राम को मर्ज करके एक बनाया गया. पहला था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो बिल्डिंग के ऊपर फोकस करता था टिल 2007 तक. दूसरा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना जो हाउसिंग फैसिलिटी पे बेस्ड था. और प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, वाटर एंड सैनिटेशन वाला, वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया. नेक्स्ट है जयप्रकाश रोजगार गारंटी योजना. द स्कीम सीक्स टू प्रोवाइड गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन द मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री. इनका क्या था, गारंटीड डेवलप एम्प्लॉयमेंट देना था. स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना. दिस योजना वॉज लॉन्च ऑन December 1, 1997. नेहरू रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर इंटीग्रेटेड अर्बन पॉवर्टी इराडिकेशन प्रोग्राम हैव बीन मर्ज्ड इनटू दिस योजना. इसमें क्या था, इस योजना में अभी तक रूरल का चल रहा था, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जो था उसके लिए था ये,
क्योंकि यहाँ पे देखिए शहरी रोज़गार योजना है, तो ये था अर्बन एरिया के लिए। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग प्रोग्राम्स: अर्बन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। इन दोनों को मिलाकर ये बनाया गया था। ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोजेक्ट 75% इज बॉर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड रिमेनिंग 25% बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, इसका जो खर्चा आता है 75% गवर्नमेंट देती है, 25% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। द स्कीम इज फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। द स्कीम प्रोवाइड्स अ लोन ऑफ अप टू 1 lakh फॉर ओपनिंग हिज ओन एंटरप्राइज एंड ₹2 lakh फॉर अदर एक्टिविटीज़। ये था क्या था, खुद से अगर कोई काम शुरू करना है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है, तो उनके लिए था कि उनको 1 lakh का लोन दिया जाएगा ओन एंटरप्राइज के लिए, और दूसरे काम के लिए 2 lakh का उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा इस मिशन के अंदर। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। स्पेशल मेजर्स have been taken by the government to develop small and cottage industry with a view to remove poverty and unemployment through the spread of cottage and small scale industry. जो small scale और cottage industry थे उनको भी assistance देने के लिए ये वाला scheme launch किया गया था, क्योंकि ये self help group थे, ये खुद employment generate करते थे, resources इनको बस थोड़ी चाहिए थी, जिसके लिए assistance इनको provide कर किया जाने लगा इसी scheme के under. Next है minimum needs program. Minimum needs program क्या था, To raise the standard of living of the poor, minimum needs program was launched during the 5th plan. The program covers primary education, adult education, rural health, rural water supply, rural roads, rural electrification, rural housing and ecological improvement of the urban slums. This is expected to improve the quality of life of poorer sections of the society. इनका क्या था कि एक जो basic need होती है एजुकेशन, अडल्ट एजुकेशन, आपने सुना होगा नाइट स्कूल्स चलने लगे थे, जो लेबर्स थे जो दिन भर काम करते थे वो पढ़ना चाहते थे, उनके लिए ये नाइट स्कूल्स स्टार्ट हुए थे इसी मिशन के अंडर, कि सबको पढ़ने का हक है, अगर कोई चाहे तो वो अडल्ट एज में भी पढ़ सकता है। नेक्स्ट था 20-point प्रोग्राम। ये 20-point प्रोग्राम क्या था, 20-point इकोनॉमिक प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड ऑन 14 January 1982 विद व्यू टू इरेकेडिंग पॉवर्टी। दिस इंक्लूड्स इंक्रीज इन इरिगेशन कैपेसिटी, जिससे प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, क्योंकि इनका एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था, इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, एक्सटेंशन ऑफ इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, मतलब कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट, रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट देना, फिक्सेशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स जो बहुत ज़रूरी था लैंडलेस लेबर फार्मर्स के लिए, मिनिमम वेजेस ऑफ टू एग्रीकल्चरल वर्कर्स, मतलब कि एक फिक्स रेट कर दिया गया था लेबर फोर्स के लिए, रिहैबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, एक्सपेंशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रोग्राम, ड्रिंकिंग वाटर इन विलेजेस, प्रोविजन ऑफ हाउसेज इन रूरल एरिया, इंप्रूवमेंट ऑफ स्लम एरिया, डेवलपमेंट ऑफ पावर कैपेसिटी, डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड गोबर गैस, फैमिली प्लानिंग, सेटिंग अप ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, वेलफेयर प्रोग्राम फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, प्राइमरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रेन, एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड फेयर प्राइस शॉप्स, सिंपल इंडस्ट्री पॉलिसी, चेकिंग ऑफ जनरेशन ऑफ ब्लैक मनी एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ये 20-point प्रोग्राम था जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया फॉर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, टुडे वी आर एंडिंग अप हियर, टुमारो विल स्टार्ट विद, और वेट वी कैन डू, या टुमारो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट 2 points।